नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैट कैम डिज़ाइन। आज मैं आप लोगों को बड़ी इंटरेस्टिंग एक उसके कमांड के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि आप लोगों को जब डक्टिंग वगैरह कभी आप करोगे, जैसे HVAC लाइन में कभी डक्टिंग वगैरह की ज़रूरत है या शीट मेटल का कोई काम हो रहा होगा, तो उसमें आपको इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। मैं उसका एक आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। ये देखिए स्क्रीन पर, ये देखिए एक डक्ट लाइन है, ये प्रॉपर स्क्वायर से स्क्वायर जुड़ा हुआ है, ये दो स्क्वायर हैं, फिर हल्का सा टेपर्ड है, फिर यहाँ पे एक बड़ा रेक्टेंगल है, फिर एक छोटा इसी के सेम साइज़ का रेक्टेंगल है, फिर यहाँ पे एंगुलर में है, ये देखिए यहाँ से एंगल चेंज हो गया है, ये देखिए फिर यहाँ से एक एंगल चेंज हो गया। तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए ना ब्लेंड कमांड बहुत हेल्पफुल होता है। एक एग्ज़ाम्पल और देता हूँ आपको, एक एग्ज़ाम्पल आपको और देता हूँ, जैसे ये वाला देखिए, ये देखिए ये भी डक्ट है, ये देखिए नीचे क्या है रेक्टेंगल बना हुआ है, ऊपर क्या हुआ है ये सर्कल से कनेक्टेड है। तो इस तरीके की जो शेप है ये ब्लेंड से बनाई जाती है। ये देखिए ये तो चलिए स्ट्रेट है, ये तो आप नॉर्मल शीट मेटल पे डायरेक्ट बना लोगे, बट इस तरीके के जो है ये रोटेशनल ब्लेंड में काम में आ जाएगा, ये आपका नॉर्मल या पैरेलल ब्लेंड में काम में आ जाएगा। इसमें दो अलग अलग क्रॉस सेक्शन से अलग अलग प्लेन पे बने हुए हैं, तो इनको बनाना बहुत आसान है। बस कमांड में जो चीज़ें मैं जैसे जैसे क्लिक कर रहा हूँ वैसे वैसे क्लिक करके धीरे धीरे करके इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, आसानी से आ जाएगा। तो चलिए अब मैं स्क्रीन पर चलता हूँ। अब देखिए ये आपका ब्लेंड कमांड जो है वो आप शेप्स में जाओगे तो शेप्स में आता है ब्लेंड कमांड और रोटेशनल ब्लेंड। ये ब्लेंड नॉर्मल, इसको पैरेलल कमांड भी बोलते हैं, और ये रोटेशनल है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ ब्लेंड कमांड कैसे यूज़ किया जाता है। आप उस पर जब क्लिक करोगे तो ये सेक्शन ओपन हो जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हो कि सेक्शन वन सेलेक्टेड है, डिफाइन करना पड़ेगा। डिफाइन पर आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा प्लेन सेलेक्ट करना है, तो हम चलिए मैं टॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ। टॉप पर करके स्केच कमांड पर प्रेस करके इसको मैंने कर दिया स्ट्रेट। ध्यान से देखिएगा, बहुत ईजी कमांड है और बहुत यूज़फुल है। आपका एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आपका ये। जनरल मैंने सेंटर लाइन ले ली। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, सबसे पहले एक स्क्वायर बनाता हूँ, एक प्लेन पे मैंने स्क्वायर बना दिया। आप यस कर दो इसको, इसको हमने यस कर दिया। अब ये पूछ रहा है इसके बीच में जो दूसरा प्लेन बनाना है, इसमें अलग अलग प्लेन्स पे अलग अलग शेप्स आप बनाओगे और उनको ही आपस में कनेक्ट कर देगा। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे। अब ये कह रहा है कितने डिस्टेंस पे रखना, चलिए मैं इसको कर देता हूँ 100 पे। इस पर गए, अब ये सेकंड वाला स्टार्ट हो गया है। फर्स्ट सेक्शन जिसमें मैंने रेक्टेंगल बनाया था, अब सेकेंड सेक्शन पर मैं कुछ और स्केच बनाता हूँ जिसका ऑफसेट डिस्टेंस मैंने डाल दिया 100। फिर स्केच दबा के उसको मैंने कर दिया स्ट्रेट। ये पैरेलल है, पैरेलल मतलब कि अब अगला प्लेन इसी के पैरेलल। ये देखिए इसका ये जो रेफरेंस पॉइंट आ रहा है, अब मुझे यहाँ बनाना है। इनके बीच की जो गैपिंग है वो 100 mm है, एक स्क्वायर। अब उसके ऊपर एक और बन गया। अब मुझे यहाँ पे मैं चलिए एक छोटा सा स्क्वायर ले लेता हूँ। ये कमांड तभी काम करेगा जब आपके सेक्शंस की एंटिटीज़ जो है वो बराबर होगी। जैसे इसके भी 4 हैं तो इसके भी 4 पॉइंट्स होने चाहिए। तो अभी तो स्क्वायर स्क्वायर है, इसको आपने यस किया तो ये देखिए इस तरीके से कनेक्ट हो गया। इनके बीच की दूरी हो गई 100 mm और बाकी ये कनेक्ट हो गया। अब चलिए स्क्वायर की बात हो गई, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको कोई और शेप लेते हैं, जैसे मान लीजिए सर्कल ले लेते हैं। तो फिर हम सेक्शन पर गए। अब यहाँ पर देखिए सेक्शन 1 सेक्शन 2 ये बाय डिफ़ॉल्ट 2 बन जाते हैं। थर्ड में आपको जाना है तो आपको इंसर्ट करना पड़ेगा। आपने इंसर्ट यहाँ पर प्रेस किया, अब यहाँ पर आप आ गए। अब ये कह रहे हैं अब इसकी बीच पे कितनी दूरी रखनी है, चलिए मैं इसको कर देता हूँ 80 mm, और मैंने इस पर स्केच प्रेस कर दिया। अब ये देखिए एक और सेक्शन बन गया, यहाँ से 100, यहाँ से यहाँ तक 80। अब जो मैं बनाऊँगा यहाँ पे वो यहाँ पर बनेगा। तो चलिए अब मैं एक बनाता हूँ सर्कल। अभी दो तो सेम क्रॉस सेक्शन हो गए, अब मैं डिफरेंट करता हूँ। इसका मैंने डाया ले लिया 50 mm, 50 ना करके चलिए मैं इसको कर लेता हूँ 30 mm, 30 mm कर लिया। अब क्या हुआ, अब मैं इसको अगर यस करूँगा तो ये देखिए दिखाएगा यहाँ पे नीचे साइड में, दिस सेक्शन मस्ट हैव 4 एंटिटीज़, करेंटली इट हैज़ 2। तो अब मुझे इसको 4 एंटिटीज़ देनी पड़ेगी तभी जाके ये एक्टिव होगा। तो सेक्शन पे जाके स्केच पे मैं गया दोबारा से, अब मुझे 4 पॉइंट्स इसको देने पड़ेंगे ताकि ये इसको कनेक्ट कर पाए। तो इसको 4 सेक्शन में डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करने के लिए ये आप कमांड देख रहे हो, डिवाइड लिखा हुआ है एडिटिंग में, इस पर क्लिक करिए, 1 2 3 और 4।
अब इनकी दूरियां प्रॉपर देनी पड़ेगी, नहीं तो ये हल्का मुल्का आपको ट्विस्ट सा नज़र आएगा। जैसे मैंने यहाँ से ले लिया इसको 10 mm, इसको भी बराबर ले लेते हैं 10 mm, ऐसे ही इसकी डिस्टेंस भी ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 10 mm, ओके। और ये इसकी सिमेट्री है तो ये भी 10 mm पे ही है। अब जैसे ही मैंने यस किया, ये देखिए किस तरीके का शेप बन गया, ये देखिए इसमें कितने डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं, एक स्क्वायर, फिर एक और स्क्वायर, उसके ऊपर सर्कल, और ये देखिए इसका एक शेप बन गया। देख रहे हैं, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आप लोग याद रखिएगा कि कभी भी इस टाइप का कभी कुछ बनाना हो तो आप ब्लेंड कमांड का ही यूज़ करें। अंदर इसमें अगर आपको कटिंग करनी तो यहाँ शेल पे क्लिक कर दीजिए, दोनों साइड पे क्लिक करना है तो दोनों साइड पे कर दीजिए, इनकी थिकनेस डिफाइन कर दीजिए, मान लीजिए 1 mm का है, यहाँ से आप यस कर दो तो आपका ये जनरल एक पार्ट रेडी हो गया। अब आप इसको स्मूथ अभी देख रहे हो, आप इसको स्ट्रेट कर दोगे तो देखिए आपको थोड़ा सा इस टाइप का स्ट्रक्चर बन के नज़र आ जाएगा। स्मूथ करोगे तो एजेस सब कर्व में हो जाएंगी, राउंड में हो जाएंगी, और अगर आपने इसको हटा दिया तो ये इस शेप में हो जाएगी। तो वो ब्लेंड कमांड से ही आप डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस को आपस में कनेक्ट करके कोई प्रोडक्ट या पार्ट्स बना सकते हैं, राइट। तो ये तो हो गया पैरेलल, इसमें सारे प्लेन्स पैरेलल थे, ये था फिर अगला वाला था, ये सब एक ही लाइन में थे, तो ये इसको हम पैरेलल ब्लेंड बोलते हैं। अब हम आइए आते हैं सेकेंड सेक्शन में, इसको क्रॉस कर देते हैं। अब हम न्यू पार्ट लेते हैं, इसका पार्ट नंबर डाल देते हैं 3 mm। अब आइए हम बात करते हैं रोटेशनल ब्लेंड की। रोटेशनल ब्लेंड की हेल्प से आप क्या कर सकते हो बताता हूँ। उस पे क्या, इस पे भी सेक्शन पे जाइए, डिफाइन पे क्लिक कीजिए, और इसमें हम ले लेते हैं चलिए राइट स्केच कर देते हैं, इस पे क्लिक कीजिए, स्ट्रेट हो जाएगा। अब रिवॉल्व कमांड हो या रोटेशन कमांड हो, या सेंटर लाइन से चलता है तो इसमें एक ही सेंटर लाइन दी जाती है जिसके एक्सिस पे इसको राउंड होता है, तो वहाँ पे मैंने सेंटर लाइन दे दिया और मैंने एक जनरल एक रेक्टेंगल बना दिया। यहाँ पे स्क्वायर बना देते हैं 50 और इसको कर देते हैं 150, ठीक। आप यस करोगे, अब ये पूछेगा कि अगला जो आप बनाओगे वो कितने एंगल पे घूमेगा, तो ये 45 डिग्री बाय डिफ़ॉल्ट है। आप सेक्शन पे जाके यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं, मैंने भी 45 ही रहने दिया है इसको, ओके। अब 45 पे अब अगला हमें बनाना है इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे स्केच पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ क्लिक कर दीजिए, तो ये देखिए ये जो सेक्शन आपने बनाया था, एक सेकेंड, ये जो सेक्शन आपने बनाया था ये वो है, और ये वो वाला सेक्शन है जिस पे अब हम मैं ड्रॉ करूँगा, तो ये 45 डिग्री पे घूम चुका है ऑलरेडी। तो चलिए इस पे क्लिक कीजिए, तो मैं इस पर आ गया। अब मैं यहाँ पे भी एक कोई वैल्यूज ले लेता हूँ, इसको ले लेते हैं 40, इसको भी ले लेते हैं 40, और इसको ले लेते हैं 180, ओके। आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये देखिए आपका दो क्रॉस सेक्शन अलग अलग एंगल पे आपस में ज्वाइन हो गए। इसको मैंने यस कर दिया, अब तो दो तो है, दोनों स्क्वायर हो गए। अगर हमें सर्कल भी लेना है तो सर्कल के लिए क्या करेंगे, आप इस पे जाइए, राइट क्लिक करके एडिट डेफिनेशन करते हैं, सेलेक्शन सेक्शंस पे जाते हैं, फिर अब हम क्या करेंगे, जब थर्ड पॉइंट आएगा तो हमें इंसर्ट करना पड़ेगा। इंसर्ट किया, अब यहाँ पे हम करते हैं स्केच, अब हम ले लेते हैं सर्कल, ये सर्कल ले लिया, सर्कल का डाया हम ले लेते हैं चलिए 40, ओके। और यहाँ से हम डिस्टेंस ले लेते हैं 200। अब देखिए मैंने इसमें चार एंटिटीज़ पे क्लिक नहीं किया, इसलिए ये दिखा रहा है कि दिस सेक्शन मस्ट हैव 4 एंटिटीज़, करेंटली इट हैज़ 2, तो मुझे 4 एंटिटी देनी पड़ेगी इसमें। तो आप इस पे चले जाएं और स्केच पे चले जाएं, स्ट्रेट 4 एंटिटीज़ को सबसे पहले दे दें डिवाइड से जाके, 1, 2, 3 एंड 4, कुछ भी दे दो वैल्यूज, लेकिन रहें सबके बराबर, नहीं तो ये ट्विस्ट कर जाएगा। इसको थोड़ा सा यस किया तो आप देख रहे हो कुछ ऐसा शेप बन गया। कई बार बेंड, कई बार जब डक लाइन जाती है तो वहाँ पे कुछ हमें कर्व शेप का भी हमें देना पड़ता है, तो
तो वो इस टाइप से ही होता है, और ये पाइप से कनेक्ट हो जाता है और यहाँ से एयर वेंटिलेशन हो जाती है। एयर वेंटिलेशन के लिए आप यहाँ शेल पे क्लिक करके इसकी थिकनेस कम कर देते हैं पहले, क्योंकि यहाँ पे ये नैरो हो रहा है, तो इसकी थिकनेस हम कर देते हैं 1। इस सरफेस पे क्लिक किया, कंट्रोल दबा के इस सरफेस पे क्लिक किया, और आपका ये इस तरीके का बन के आ गया। इसको आप फनल कह लीजिए, डक्ट लाइन कह लीजिए, या जो भी है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अलग अलग शेप्स को अगर आपको कनेक्ट करना है तो ये रोटेशन और एक्सट्रूड कमांड से नहीं होगा, ये ब्लेंड कमांड से ही होगा। और ब्लेंड कमांड के अंदर स्ट्रेट मतलब एक तो आपका पैरेलल वाला, पैरेलल की हेल्प से आप इस तरीके का बना सकते हैं, और रोटेशन की हेल्प से आप इस तरीके का बना सकते हैं, राइट। तो प्रैक्टिस के ऊपर है, आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे समझ में आएगा, लेकिन ये टूल्स याद रखिएगा क्योंकि इंडस्ट्री में ये सब टूल्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इवन आप लोगों को इंटरव्यू में भी इस तरीके का ही कोई प्रोजेक्ट दे देंगे, पार्ट दे देंगे, जिसको आप लोगों को इन टूल्स के हेल्प से बनाना होगा। तो होप कि आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आया होगा, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इंडस्ट्री में जो भी मेरा एक्सपीरियंस है या जिस भी मैं प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ धीरे धीरे वो आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोग धीरे धीरे प्रिपेयर करते रहें और इंटरव्यू के लिए आप लोग तैयार होते रहें, या अगर आप लोग इंडस्ट्री में एंटर कर गए हैं तो वहाँ पर किस तरीके से आप लोगों को काम करना है उसका भी थोड़ा आइडिया मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।